आप जो देख रहे हैं तस्वीर है, ये कई समंदर की नहीं है, ये भिंडी महानगर पालिका क्षेत्र में भाजी मार्केट नजराना भाजी मार्केट की है, जो कि एक नाले पे है। ये नाले का चैम्बर ओपन होने से ये आज भंवर जो आप देख रहे हैं, ये भंवर दिख रहा है हम आप। हेलो फ्रेंड, मैं दाहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम मौजूद है भिंडी नजराना कंपाउंड जी। मेरे आप पीछे जो देख रहे हैं, ये भिंडी नजराना कंपाउंड का ये जो इलाका है, ये भाजी मार्केट का इलाका है, जिसमें आप देख रहे हैं सैकड़ों दुकानों में पानी जा चुका है। कल देर रात तकरीबन 8 बजे मौसम विभाग की चेतावनी के बाद में लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है, और उसके बाद में आज सुबह से मौसलाधार बारिश होने की वजह से शहर के अलग अलग इलाकों में आपको पानी भरता हुआ नज़र आएगा। कई सारी जो दुकानें हैं आप इस तस्वीरों में जो देख रहे हैं, कई सारी जो दुकानों में पानी भरा हुआ है, लोग अपनी दुकानों के बाहर किस तरीके से खड़े हैं, देखिए लोगों ने अपने दुकानें बंद भी कर दिया है, कई सारी दुकानें भी बंद है। हम आगे की तरफ चल रहे हैं, जो कि भिंडी शहर के जो मेन भाजी मार्केट है, हम आपको उसको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, ये अगर इस नाले पे अगर कोई चैम्बर अगर खुला होगा तो एक अनहोनी हो सकती है, एक किसी की जान जा सकती है यहाँ पर। तो इन बच्चों के जो माँ बाप है, ये पहले उनको सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे इस वक्त इतनी बारिश में कहाँ पे, देखिए किस तरीके से बच्चे इतना बेखौफ इस खतरनाक बारिश में पानी में खेल रहे हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो इनके जो पेरेंट्स हैं और जो लोग हैं वो मनपा प्रशासन को इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जो कि मनपा प्रशासन पहले से ही इस अलर्ट का लोगों को चेतावनी दे चुकी है कि भारी बारिश होने की संभावना है। आप अगर बहुत ज़रूरी अगर काम है तो ही आप अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि हम आपको बता दें कि भिंडी शहर से जो तकरीबन आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पानी भारी बारिश के कारण वहाँ पे पानी भर गया है, इसके लिए कई किलोमीटर तक का जाम लग चुका है। आइए देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस भारी बरसात में यहाँ के जो स्थानिक है, ये अब आपको दिखेंगे कि लोगों की सहायता के लिए स्थानिक आधे से ज़्यादा घुटनों के ऊपर जो पानी है, कम से कम 2 से 2.5 फीट पानी के अंदर ये लोग खड़े है। देखिए यहाँ पर इंसान तो इंसान, जानवरों को भी जो है अपनी जान की परवाह के लिए किस तरीके से वो इस पानी को चीरते हुए किनारे की तरफ जा रहा है। देखिए मेरे पीछे ये एकदम तेज़ रफ्तार कार जो कि पानी से निकलती हुई नज़र आएगी आपको, तरीके से लोग अपनी दुकानों का सामान बचाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। है गुरुदेव फरसन के पास आ गए, देखिए हम लोग यहाँ पर जो लोग हैं अपनी दुकान का सामान बजाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इनको, देख किस तरीके से पूरी दुकान में पानी भर गया है। सर ये पानी कब से भर है? ये पानी 1 घंटा हो गया। तकरीबन ये पानी कैसे भर जाता है, कितनी बारिश में? 2-3 घंटा बारिश गिरा कंटिन्यूस तो ये पानी भर जाता है। अच्छा, तो और ये साल में ये तीसरी या चौथी बार पानी भरा हुआ है। तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई भी आपको या फिर कोई नोटिस वगैरह या फिर कोई आपको कुछ 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 मदद नहीं, उल्टा हमको आके परेशान कर दे। आपको सामान ऊपर चढ़ाएंगे तभी दुकान बंद करेंगे ना, नुकसान थोड़ी करके लेंगे। दुकान बंद कर देंगे तो वही तो बात है ना, लेते ना सर, आप लेते 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 आपको आपकी कोई सहायता नहीं? कुछ सहायता नहीं, कुछ सहायता नहीं, कोई सहायता नहीं। आपकी दुकानों में अगर पानी भर जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से, भिंडी मनपा की तरफ से कोई और भी सहायता नहीं? कुछ सहायता नहीं आता, कुछ सहायता नहीं। आपातकालीन में भी कोई हमको मदद करने नहीं आता है? आपातकालीन में भी नहीं आता। अगर मनपा के, अगर भिंडी मनपा को अगर आप 10 में से कितना देना चाहेंगे? 0 जी। और आपका यहाँ पे आप जो 3 बार यहाँ पे जो पानी भरा है, इसमें कितना नुकसान हुआ है? नुकसान उठा लेते हैं पर कभी कभार नुकसान हो जाता है तो कितना नुकसान हुआ है? अभी आज जो धंधा नहीं हुआ वो नुकसान है।
जो माल थोड़ा बहुत वो है, जो अभी रॉ मटेरियल है, वड़ा समोसा है, वो तो हम लोग बेच नहीं सकते, वो खराब हो जाएगा, तो वो लॉस ही है। देखिए यहाँ तो अब आएंगे हम यहाँ पे, जो बाजू में दुकान है, राशन दुकान, किराना दुकान, देखिए किस तरीके से भाई ने अपना काउंटर और अपनी जो दुकान में ये कितना पानी भर गया। देखिए यहाँ पे राशन, ये भाई ने अपना राशन बचाने के लिए राशन कितनी ऊपर ऊपर रखा है ताकि ये पानी में ख़राब ना हो, और इनका तकरीबन मुझे तो ऐसा लगता है इनका काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। देखिए जो गरम मसाले हैं वो यहाँ पे पानी में तैरते हुए नज़र आएंगे आपको, देखिए गरम मसाले हैं ये तैरते हुए नज़र आएंगे। ये भाई का शायद, इस भाई का बहुत किराने का दुकान का बहुत नुकसान हुआ है। क्या कहेंगे भाई आप, क्या बारिश में सब तो उठा लेते, अभी क्या करें? तो आपका मतलब डेली अगर ऐसा है तो कितना नुकसान हुआ रहेगा आपका? अभी तो देखो ना, अभी जो होता है नुकसान, अभी इसमें अभी सामने ऐसी भारी भारी जो बारिश है, ये आप कल रेड अलर्ट कर दिया गया था ऑरेंज, हाँ गवर्नमेंट ने किया था, म्यूनसिपालिटी ने किधर किया था? म्यूनसिपालिटी ने उसको कोई नोटिस वगैरह? नहीं नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो देखिए यहाँ पे जनता भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से नाराज है। मौसम विभाग द्वारा बताया गया कल रात में कि ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया कि आज जो है सुबह से 27 जुलाई को भारी बारिश होने की संभावना है, लेकिन मनपा द्वारा कोई भी नोटिस वगैरह नहीं दिया गया, कोई मैसेजेस नहीं किए गए, जो कि जहां पे भिवंडी शहर में जिस इलाके में पानी भरता है तकरीबन वहां पे लोगों को आह्वान करना चाहिए था, वहां पे अनाउंस करना चाहिए था मैसेज द्वारा, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा यहाँ पर बताया जाना चाहिए था कि यहाँ पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। तो आप सतर्क रहिए, आपकी अपनी दुकानें हैं, अपने घर है, अपने बच्चे हैं, अब अगर जॉब पे जा रहे हैं भिवंडी शहर से बाहर तो ना जाए। फिर भी यहाँ पे मनपा एक बार और यहाँ पर असफल नज़र आती हुई, यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कौन कौन से हम लोग भी यहाँ पे बहुत सारे जो है वाले घर घर है, चलो तो दिखाया यहाँ पे जो दुकानें हैं वो है, लेकिन यहाँ पे कई सारे जो ऐसे लोग हैं जिनके घरों में पानी के, हम वो भी आपको दिखाएंगे। हम चलते आगे। प्रोग्रेसिव एकेडमी एक बेस्ट ट्यूशन क्लासेस है, हर साल यहां पर 5 to 6 स्टूडेंट 90%+ बोर्ड एग्जाम में स्कोर करते हैं। 2023 बोर्ड एग्जाम में 24 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स स्कोर किए। एसएससी साइंस और मैथ्स में 95 मार्क्स लिए, वहीं एचएससी साइंस में बायोलॉजी में 94 और 90 मार्क्स स्कोर किए। यहाँ डिजिटल बोर्ड पर टीचिंग होती है, 10 to 20 ईयर्स बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस रखने वाले टीचर्स हैं। तो बेस्ट स्कोर के लिए आज ही प्रोग्रेसिव एकेडमी 9, 10, 11, 12 के लिए ज्वाइन करें। एड्रेस है सरस्वत बैंक बिल्डिंग, मुफ्ती शोरूम के ऊपर, थाना रोड, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।